प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दौरा। सीएम अशोक गहलोत आज अलवर, चूरू और बीकानेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अलवर में कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के समर्थन में सभा करेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में और मिशन 25 को पूरा करने की जुगत में जुटे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज चुनावी दौरा और उनके साथ मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम सचिन पायलट और साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता। और आपको बता दें कि आज अलवर में कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री वोट की अपील करते नजर आएंगे। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अलवर से हमारे साथ चंद्रशेखर फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के समर्थन में अलवर में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या तस्वीर? बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी यहां पर एक जनसभा आयोजित है, उसको संबोधित करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के प्रभारी अविनाश राय खन्ना है, उनके भी आने का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर नामांकन का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में अलवर भरतपुर में नामांकन करने वाले हैं कांग्रेस प्रत्याशी और अशोक गहलोत का यहाँ पर 12 बजे करीब आने का कार्यक्रम है। ज्योति जी, चंद्रशेखर, जिस तरह से आपने बताया कि आज नामांकन का अंतिम दिन है, आखिरी 3 बजे तक नामांकन दाखिल हो सकते हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं ने किस तरह से तैयारी की है और साथ ही सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम है और कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो सकती है अपने जननायक को सुनने के लिए? बिल्कुल, चूंकि ये नामांकन कार्यक्रम भी है और एक तरह से अलवर में पहली जनसभा आयोजित हो रही है जिसमें सीएम अशोक गहलोत आ रहे हैं, तो इसको लेकर वो 8 विधानसभा अलवर लोकसभा क्षेत्र में आती है जिसको लेकर सभी विधानसभाओं को टारगेट दिए गए हैं आदमियों को लाने के लिए। 4,000 आदमी पर विधानसभा से ले आए हैं और कांग्रेस के जो कार्यालय है उसके सामने एक जनसभा का आयोजन किया गया है। इन जनसभा को सीएम और डिप्टी सीएम दोनों संबोधित करने वाले हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। इस हिसाब से भी कांग्रेस कार्यकर्ता में काफी उत्साह है और रैली को सफल बनाने के लिए कल से ही कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जोर लगाया हुआ है और माना जा रहा है कि जो जनसभा होगी वो विशाल जनसभा होगी। ज्योति जी, चंद्रशेखर, जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है जितेंद्र सिंह जो कि अलवर से उम्मीदवार घोषित किए हुए हैं, लेकिन जैसे कि आपको भी पता है कि कांग्रेस ने मिशन 25 के जुगत में मुख्यमंत्री जुट चुके हैं और वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के तहत एक दिन में 3 से 4 जनसभा कर रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा जी चंद्रशेखर? जी बिल्कुल, क्योंकि मिशन 25 निर्धारित किया हुआ है कांग्रेस ने। इस निर्धारित के लिए हर प्रत्येक लोकसभा सीट पर मुख्यमंत्री स्वयं नजरें लगाए हुए हैं और सभी में स्वयं जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जो मोरल है वो बूस्ट कर रहे हैं कि कुल मिलाकर एक ही वो है कि किसी तरह मिशन जो 25 है उसको ज्यादा से ज्यादा टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमें इस खबर पर अपडेट करते रहे। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज चुनावी दौरा है अलवर, चूरू और बीकानेर। अलवर में जहां कांग्रेस के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री वोट की अपील करते नजर आएंगे और अब तैयारियां पूरी हो चुकी है अलवर में और मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनके साथ मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम सचिन पायलट। मिशन 25 को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री एक दिन में 3 से 4 जनसभा संबोधित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है।